गाइज आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन वाले इस फीचर्स को आप कैसे सेटअप कर सकते हो वो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। एंड आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है एंड इससे क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखा है, आप अपने इस चैनल के ऊपर उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल अपन बात कर लेते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन वाले इस फीचर्स को आपको कैसे सेटअप करना है। ओके, तो आज का ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आज का ये वीडियो अपने आप पे बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट। गाइस सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना, हो सकता है कि आपको भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फीचर्स देखने को मिल जाए। ओके, तो फिलहाल अपन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड सब्सक्रिप्शन वाले इस फीचर को कैसे अपन को सेटअप करना वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। ओके, ओपन करने के बाद में आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना, तो मैंने कर दिया क्लिक। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। ओके, जैसे आप क्लिक कर देते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा, फिनिश सब्सक्रिप्शन सेटअप। ओके, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, तो अपन यहाँ पे क्लिक कर देते हो। ओके, जैसे आप क्लिक कर देते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन को फर्स्ट स्टेप अपन को क्या करनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम के ऊपर आपको अपना नेम आपको टाइप कर देना, आपको वही नेम टाइप करना जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो, ऐसा नहीं कि जो आपको यूजर नेम है वो आपने टाइप कर दिया, जो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। ओके, इसके बाद में आपका जो सरनेम है वो आपको टाइप कर देना। ओके, इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देना जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो, ठीक है, वो आपको टाइप कर देना। इसके बाद में आपको जो आपकी कंट्री है वो आपको टाइप कर देना। इसके बाद में आपको इसको कर देना नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा अपन को वेट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंट्री का फीचर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इंडिया आपको सिलेक्ट कर देना। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की अपन बात कर लेते हैं, बिजनेस टाइप, इसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना एंड आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले को अपन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इंडिविजुअल, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद में अपन को इसको कर देना नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट करने के बाद में अपने पास में एक और पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो अपन को थोड़ा सा वेट कर लेना बिकॉज यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। ओके, तो जैसे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका, ओके, तो एंटर योर इन्फॉर्मेशन का एक फीचर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम आपको टाइप कर देना जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सरनेम या फिर आपका मिडिल नेम भी हो सकता है, तो आपको मिडिल नेम आपको टाइप कर देना एंड आपको सरनेम भी आपको टाइप कर देना। ओके, जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहेगा। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देनी है, देन इसके बाद में आपको जो आपका एड्रेस है जो प्राइमरी एड्रेस वो आपको टाइप कर देना जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो। ओके, इसके बाद में आपको आपकी जो कंट्री है वो आपको टाइप कर देना। ओके, इसके बाद में आपको जो पोस्ट कोड है वो आपको टाइप कर देना जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको जो मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप कर देना। ओके, इसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी है जो कि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि जो भी मेरा अकाउंट के अंदर जो भी हो रहा मुझे इस मेल के ऊपर मुझे डिटेल्स चाहिए, तो वो वाली ईमेल आईडी आपको दे देना। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपको टाइप कर देना आपको जो पैन कार्ड के नंबर है। ओके, वो आपको टाइप कर देना, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, तो जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहा है, अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हो, ओनली ऑप्शनल है। ओके, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे टिक कर देना, डन कर देना आपको एंड इसको अपन को कर देना नेक्स्ट। ओके, जैसे आप नेक्स्ट कर देते हो तो अपने पास में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो अपन फिर से अपन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज कुछ ज़्यादा प्रोसेस ले रहा है। ओके, तो अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एंड नेक्स्ट पेज के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि ये वाले प्रोसेस मांग रहा है, ठीक है, तो आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पे जो भी आपकी बैंक डिटेल्स अगर मांगता है तो आपको वो सबमिट कर दी, जो भी डिटेल्स मांगते हैं, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आपका अकाउंट होल्डर नेम हो गया, आईएफएससी कोड हो गया एंड आपकी ब्रांच नेम हो गया, बैंक का नेम हो गया, जो भी पूछता वो आपको टाइप कर देना। ओके, तो ऑलरेडी मैंने इसको सबमिट करके रखा है, तो लिंक पे आउट मेथड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद में अपन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड आपको वही बैंक अकाउंट देना जिसकी डिटेल्स आपके पास
पूरी हुई, आपको बैंक अकाउंट आपको ऐड कर देना। ओके, इसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड आपको बता दो ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ओके, तो फिलहाल जो ऐड ये कर दे, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। ओके, इसको मैं कर दूँ यहाँ से अलाउ। ओके, अलाउ करने के बाद में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं एंड थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है एंड ये भी हो चुका है एंड आपको बता दो यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। देन इसको मैं कर देता हूँ नो एंड इसको भी एक्टिंग इन्फॉर्मेशन एजेंट पेमेंट यस कर देता हूँ इसको एंड इसको आपको कर देना नेक्स्ट एंड आपको इसको कर देना गो इट। ओके, तो ये का कॉन्टैक्ट एस टू कंटिन्यू एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे गॉट इट। ओके, तो ये सब कुछ हो चुका अपना एंड यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक। ओके, तो अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड जो अपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ओके, तो बस थोड़ा सा अपने को वेट करना है, ज़्यादा प्रोसेस कुछ है नहीं। देन इसके बाद जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस ले रहा है तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे ऐड लेटर। ओके, फिलहाल जो भी ये वाला है यहाँ पे अपने आप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको सबमिट कर दिया। वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेनिफिट और ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो ये सब कुछ अपना सेटअप हो चुका है। देन इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में जैसे कि सब्सक्रिप्शन एंड आप चाहते कितने का सब्सक्रिप्शन चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ जो कि नॉर्मल होता है 49 रुपीज़ का मैंने कर दिया। ओके, तो जैसे कि आप जरूरी है कि आप 49 ही करो, आप यहाँ पे 149 भी कर सकते हो, 179 भी कर सकते हो एंड 269 भी कर सकते हो एंड आप यहाँ पे 399 भी कर सकते हो। देन इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यो सब्सक्रिप्शन इज रेडी हो चुका है। देन इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मेरे फॉलोअर्स है, उनके पास में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फीचर्स यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। ओके, तो देखो ये सब कुछ हो चुका है एंड आपको बता दो जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज यो सब्सक्रिप्शन बेनिफिट, यहाँ पे मैं जो भी सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट में शेयर करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट चैलेंज में बताना चाहता हूँ, बिहाइंड द सीन में करना चाहता हूँ एंड आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको बता दूँ जैसे कि ये सब कुछ बहुत है। ठीक है, इसके बाद में इसको मैं कर देता हूँ डन, जैसे कि मैं ये वाले बेनिफिट देना चाहता हूँ। ओके, ये सब कुछ हो चुका है एंड जैसे कि शेयर योर फर्स्ट एक्सक्लूसिव पोस्ट एंड रील्स, आप यहाँ पर कोई भी पोस्ट एंड रील्स आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपको सब्सक्रिप्शन जो फीचर है ना वो यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। ठीक, एंड गाइज आपको बता दूँ कि जो सब्सक्रिप्शन का फीचर है वो यहाँ पे एनेबल हो चुका है, तो आपको मोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना एंड आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का आपको फीचर देखने को मिल जाएगा एंड आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो सब्सक्रिप्शन का जो फीचर है ना एनेबल हो चुका अपना। ठीक है गाइज, आप इस तरीके से आज सब्सक्रिप्शन वाले फीचर को आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो एंड अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।